ओके गाइस, तो ये आपको एक ट्रायंगल दिख रही होगी। इसमें आप देखेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट हम जो सबसे बॉटम पे आता है, जो सबसे शुरू में हम पढ़ाते हैं, दैट इज मेमोरी लेवल। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिंग लेवल। देखो बहुत सिंपल से लैंग्वेज में समझो, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल समझाऊं तो 1 to 5th क्लास के जो बच्चे होते हैं, वहां पे जो टीचर पढ़ाते हैं, उसको हम रिलेट कर सकते हैं मेमोरी लेवल में। ठीक है, 5th 6th से लेके 12th तक जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, वहां पे जो टीचिंग का लेवल होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, और उसके बाद जो आफ्टर 12th 12th के बाद जो उसके बाद जो हमारी टीचिंग आती है, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, तो ये 3 टाइप के लेवल होते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये 3 टाइप के जो लेवल हैं वो कैसे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइस, तो फर्स्ट हमारा आता है मेमोरी लेवल टीचिंग। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेमोरी लेवल मींस जहां पे हम बच्चों को समझाएंगे और बच्चे सिर्फ उसको रोट करेंगे, उसको रट्टा मारेंगे, फैक्ट्स उनके समझ में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इट इज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। आप देख सकते हैं थॉटलेस लेवल मींस यहाँ पे क्योंकि किड्स बच्चों का वो लेवल नहीं है कि वो चीजों को समझ सकें। ओके, सो इट इज कंसर्न विद मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, तो वो देखते हैं चीजों को, बच्चों को आप कुछ भी बताएंगे वो देखते हैं और उनको समझे बिना उनको वो रोट कर लेते हैं, उनको रट लेते हैं। ओके, टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, तो वहां पे 4 ऑप्शन आपके सामने होंगी, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड योर कॉग्निटिव लेवल या रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो आपको अब यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा लेवल जो है वो टीचिंग में सबसे लोएस्ट है, वो है हमारा मेमोरी लेवल। ओके, एट दिस लेवल द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल। जो बच्चा है उसके पास सोचने की क्षमता नहीं है। ओके, तो वो सिर्फ देखेगा और उसको याद कर लेगा, रट लेगा। स्टूडेंट्स ओनली क्रैम द फैक्ट्स, वो सिर्फ फैक्ट्स को देखेंगे और उनको रट लेंगे। इंफॉर्मेशन फॉर्मूलाज एंड लॉज दैट आर टॉट टू देम। द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोट। टीचिंग का यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा रोल है नहीं, बस बच्चों को बताना है और बच्चे उसको रट लेंगे। द रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ स्टूडेंट इज सेकेंडरी। क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है वो टीचर की ज्यादा है और बच्चे की कम है। ठीक है, टीचर को सारा मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, प्री प्लान करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में वो समझ आ जाए। ओके गाइस, मेमोरी लेवल है यहाँ देखो, यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एट लोअर क्लासेस। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे हैं वहां पे मेमोरी लेवल टीचिंग होती है। एंड अगेन इट इज टीचर सेंटर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, दैट मेमोरी लेवल टीचिंग इज अ टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो अभी यहां पे आपको समझ आ चुका होगा कि दिस इज द टीचर सेंटर्ड लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो हमारा इस डायग्राम में सेकंड था, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। आइए अंडरस्टैंडिंग लेवल देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। ओके, सो जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग मीन्स यहाँ पे जो किड्स होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको फैक्ट्स समझ आना शुरू हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव द मीनिंग, ग्रेस्प द आइडिया एंड कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लासिफाइड एज सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स, सीइंग रिलेशनशिप, अ जर्नलाइज इनसाइट। ओके, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो फैक्ट्स को समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल जो है, उसका बेस यहाँ पे बनता है। हमेशा याद रखना कि बच्चे तभी किसी चीज को रिफ्लेक्ट करने में अनेबल हो पाएंगे जब वो पहले उसको समझेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, दैट इज द बेस फॉर द नेक्स्ट लेवल, इमीडिएट नेक्स्ट लेवल, और जो है रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके गाइस, सो और क्या है इसके बारे में, द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ हायर क्वालिटी देन द वन एट द
मेमोरी लेवल. सो टीचिंग जो है वो मेमोरी लेवल से हायर लेवल पे होती है. इट इज मोर यूजफुल एंड थॉटफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज. मेंटल कैपेबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा यूजफुल है. ठीक है, एट दिस लेवल द टीचर एक्सप्लेन द स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स एंड टीच देम हाउ दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड. तो यहाँ पे टीचर कोई फॉर्मूला बताएगा, उसकी एप्लीकेशन बताएगा. ओके, और जो चिल्ड्रन हैं वो उनको अप्लाई करना, उनको कैसे अप्लाई करना है ये भी टीचर उनको बताएगा. आगे मूव करते हैं. At this level of teaching, students to make use of their thinking abilities. ठीक है, तो यहाँ पे students को सोचने पे मजबूर होना पड़ता है क्योंकि memory level में वो सोचने के लायक नहीं थे, but यहाँ पे वो सोचने के लायक हैं. Knowledge acquired at this level form the base of reflective level of teaching. जैसे मैंने आपको starting में बताया था अभी इस understanding level के starting में कि जो reflective level है उसका base यहाँ पे बनता है. And again it is teacher centered. So first यहाँ से क्या clear होता है कि जो हमारे first two levels हैं memory level and understanding level both are teacher centered level. Okay guys, move करते हैं हमारा third level जो है, और third level हमारा था Reflective level of teaching. So this level is known as the introspective level. Reflecting on something means gives careful thoughts to something over a period of time. Okay, it is highly thoughtful and useful. यहाँ पे जो लर्नर है उसका जो रिफ्लेक्शन है नॉलेज के लिए वो बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे उसका बेस बन चुका है. ही नोज द कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझ चुका है और यहाँ पे वो अपने आइडियाज अपने ओपिनियंस देने के काबिल बन चुका है. अ स्टूडेंट कैन अटेन दिस लेवल ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल. तो ये एक हायरार्की है जिसमें हम बोल सकते हैं डाउन टू टॉप, बॉटम टू टॉप चलेगी. पहले मेमोरी लेवल आएगा, ओके, देन आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा, देन आपका लास्ट में हमारा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल. ओके गाइस, टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. ओके, यहाँ पे लर्नर इतना कैपेबल बन चुका होता है कि वो अपनी रियल लाइफ को खुद सॉल्व कर सकता है. आगे मूव करते हैं. At this level, the student is made to face a real problematic situation. Okay, तो यहाँ पे real problem होगी और उसको learner solve करेगा. Okay, at this level, emphasis is laid on identifying the problem, defining it, and finding a solution to the problem. So, जो हम जिसे हम बोलते हैं cognitive learning क्या होती है? Cognitive ability क्या होती है? Thinking ability. Okay, तो थिंकिंग एबिलिटी यहाँ पे लर्नर की बहुत बढ़ जाती है और वो प्रॉब्लम को खुद ही आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम को खुद ही उनका सॉल्यूशन उनका वो इजिली निकाल सकता है. ओके गाइस, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था और यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं हमारे कि कौन सा, और दिस इज सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका वो है दैट इट इज लर्नर सेंटर्ड. जो थर्ड लेवल है दैट इज लर्नर सेंटर्ड. ओके, सो ये जो थर्ड लेवल है ये हमारा लर्नर सेंटर्ड है. जो हमारे फर्स्ट टू लेवल थे वो हमारे टीचर सेंटर्ड थे. ओके, अब जो आजकल जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं तो यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी एमएचआरडी है वो ये कोशिश कर रही है कि टीचिंग स्टाइल को टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड की तरफ मूव किया जाए. ओके, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग मैक्सिमम जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आप देखेंगे, कभी गूगल करना, वहां की जो टीचिंग होती है दैट इज मोस्टली मोर देन 70-80% वो लर्नर बेस्ड होती है. टीचर क्लास में आके सिर्फ लेक्चर देगा और लेक्चर में वो ये बताता है कि हाउ यू विल कंडक्ट अ पर्टिकुलर रिसर्च, हाउ यू विल डू द केस स्टडी, एंड इन द एंटायर केस स्टडी द टीचर ओनली विल फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स.
जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है उस पर्टिकुलर केस स्टडी में, वहां पे टीचर उनकी हेल्प करता है कि आप इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और जब पूरी केस स्टडी वो एक स्टूडेंट खत्म करेगा तो सारे जो उसमें जो प्रोसेस होता है वो स्टूडेंट खुद करेगा, तो जब करेगा तो वो उसको सीखेगा। ठीक है, तो लर्नर सेंटर्ड ये हमारी, ये आजकल अब जाके हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है वो हायर एजुकेशन जो है वो उसको लर्नर सेंटर्ड की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी गाइस, और पूरे नोट्स और पूरी ऐसे ही लेक्चर्स पाने के लिए और ऐसे ही हर एक टॉपिक की डिटेल में आपको ऑडियो एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। और आपको 10 की 10 यूनिट्स, पेपर वन की 10 यूनिट्स आपको ऐसे ही नोट्स मिलेंगे। ये सिर्फ ऑडियो एक्सप्लेनेशन थी, आपको पीडीएफ नोट्स अलग मिलेंगे, ऑडियो एक्सप्लेनेशन अलग मिलेगी, और जहाँ पे वीडियो की जरूरत है वहाँ पे वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको जरूर मिलेगी। और हर क्लास के बाद आपको एमसीक्यू मिलेगा, और जो एमसीक्यू जो हम पढ़ेंगे उसी के बेस पे एमसीक्यू होगा, और क्वेश्चन जो होंगे वो लास्ट यूजीसी पेपर वन के जो क्वेश्चन आए हैं वो इसमें ऐड किए जाएंगे, ताकि आपको हेल्प हो जाए कि आप पेपर में कैसे उसको अटेम्प्ट करने वाले हो। ओके गाइस, सो थैंक यू, एंड इफ यू आर इम्प्रेस विद दिस लेक्चर, आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि ये आपको ये हेल्पफुल है और आप इससे सीख रहे हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। और 20 अगस्त से हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट हम इसको स्टार्ट करेंगे फॉर द 70 डेज। तो ये 70 डेज का कोर्स रहेगा और दिसंबर से पहले पहले हम इसको खत्म करेंगे। सो थैंक यू गाइज, एंड आई होप दैट आप इसको ज्वाइन करेंगे और हम 20 तारीख को क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।